माझिल सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने बुधवार को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सेना की ओर से की गई कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए। घुसपैठ की सूचना मिलते ही जवान हरकत में आ गए। घुसपैठियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मेगा संपर्क अभियान के तहत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता के बुलंद हो रहे नारों के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की यह मुलाकात राजग के लिए अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि अमित शाह अभियान के तहत राजग के चटक रहे स्तंभों को मजबूत करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उद्यमियों से बात करेंगे और स्टार्टअप इंडिया का हाल जानेंगे। मोदी इस दौरान उन उद्यमियों से बात करेंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना रोजगार स्थापित किया है। महाराष्ट्र में मानसून पूर्व भारी बारिश के बीच मौसम विभाग का दावा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई, गोवा और महाराष्ट्र के हिस्सों में 7 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग और निजी मौसम एजेंसी 6 जून से 10 जून के बीच मुंबई व आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि मुंबई में 2005 के बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। पंजाब में किसान यूनियनों की 10 दिवसीय हड़ताल आखिरकार चौथे दिन ही खत्म हो गई है। शहरी इलाकों में हड़ताल का असर नाम मात्र के लिए देखने को मिला, वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच आपसी टकराव को देखते हुए किसान संगठनों ने आज पंजाब में हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच होने वाली ऐतिहासिक शिखर वार्ता का पेच अब होटल के खर्च पर आकर फंसा है। बैठक की तैयारियों के बीच अब अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में किम जोंग के प्रतिनिधि मंडल के होटल का खर्च नहीं देगा। सुबह 11:30 बजे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 193 अंकों की तेजी के साथ 35,900 पर और निफ्टी 59 अंकों की तेजी के साथ 10,652 पर कारोबार कर रहा है। वहीं आज आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा से ठीक पहले भारतीय शेयर बाजार ने दबाव के साथ शुरुआत की है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 12 अंकों की तेजी के साथ 34,922 पर खुला और इस समय तक निफ्टी लाल निशान पर कारोबार करता दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम में अब जैक बॉल को शामिल किया गया है। उन्हें चोटिल खिलाड़ी क्रिस बॉक्स की जगह टीम में जगह दी गई है। पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेलते समय बॉक्स के जांघों में खिंचाव की समस्या हुई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स होते हैं जो अपने भाई बहन को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो सफलता के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने करीबी परिजनों को नहीं भूलते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। ऐसा ही एक नाम एक्ट्रेस यामी गौतम का है, जो कि हाल ही में अपनी छोटी बहन सुरीली के साथ नजर आई, जो कि बॉलीवुड में जल्द ही एंट्री लेने वाली है। मुफ्त पानी की योजना को दिल्ली सरकार भले ही अपनी बड़ी कामयाबी बताती रही है, पर जल बोर्ड के खजाने पर इसका असर दिखने लगा है। स्थिति यह है कि जल बोर्ड को पानी आपूर्ति से होने वाली कमाई से अपने कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो रहा है।